अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स माय नेम इज अमीर अब्दुल्ला आई एम योर केमिस्ट्री टीचर स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन एंड साइक्लो स्टूडेंट्स आपको पता है कि अल्केन क्या है दे आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर हम देख ले फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मीथेन है तो इसमें कार्बन जो है फुली सेचुरेटेड है थ्रू सिग्मा बांड चार हाइड्रोजन एटमो से मिला हुआ है इसी तरह अगर हम नेक्स्ट मेंबर देख ईथेन तो इसमें भी हर एक कार्बन फुली सेचुरेटेड है कार्बन कार्बन सिग्मा बांड और हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बांड बनाया है तो अल्केन क्या है अल्केन आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन आर नॉन पोलर ड्यू टू कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अगर हम अल्केन के मालिक्यूल को देख ले तो इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड हो या कार्बन हाइड्रोजन बांड हो ये क्या होते हैं नॉन पोलर होते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन बांड को अगर देख ले तो दो कार्बन एटमों का बना हुआ है और कार्बन हाइड्रोजन बांड में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी कंपेरेबल है लिहाजा ये हमारे पास क्या है कार्बन कार्बन बांड हो या कार्बन हाइड्रोजन बांड हो दे आर नॉन पोलर और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं दे आर क्वाइट इन अगर हम इसकी रिएक्टिविटी देख ले हाइड्रोकार्बन आर क्वाइट इनर्ट पोलर रिएजेंट डू नॉट रिएक्ट विद अल्केन अंडर नॉर्मल कंडीशन अगर अल्केन के साथ हम पोलर रिएजेंट रिएक्ट करते हैं नॉर्मल कंडीशन पर तो अल्केन स्टेबिलिटी शो करते हैं इनर्टनेस शो करते हैं और रिएक्शन नहीं करते कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बाड आर स्ट्रांग क्यों स्ट्रांग होते हैं देखो स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं के कार्बन हाइड्रोजन बांड अगर हम देख ले फॉर एग्जाम्पल मीथेन में या इथेन में तो यहां पर कार्बन क्या है एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड है और ये स्पी थ्री हाइब्रिड आर्बिटाल दूसरे कार्बन एटम के जो कि वो भी एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड है ओवरलैपिंग से सिग्मा बांड बना रहे हैं और अगर कार्बन हाइड्रोजन को देखा जाए तो यह हमारे पास एस पी थ्री हाइब्रिड आर्बिटॉल है और हाइड्रोजन का वन एस आरबिटॉल इसकी ओवरलैपिंग से यह कार्बन हाइड्रोजन बांड बन रहा है तो कार्बन कार्बन बांड हो या कार्बन हाइड्रोजन बांड हो दे आर स्ट्रांग बाड एंड रिलेटिवली स्टेबल टू वट एसेड अगर हम एसेड के साथ इसको रिएक्ट करें अलक्लिस के साथ रिएक्ट करें या किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसको रिएक्ट करें तो यह क्या शो करते हैं यह स्टेबिलिटी शो करते हैं नॉन पोलर बाड इसमें है स्ट्रांग इस बाड है सिग्मा कोल बाड मौजूद है लिहाजा हमारे पास अल्केन क्या है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और क्वाइट इनट है इसलिए इसको दे आर ऑल्सो कॉल्ड पेराफीन अल्केन को हम पेराफीन भी कहते हैं यानी दे शो लिटल एफेनिटी टुवर्ड रिएक्शन विद एसिड्स, अल्कलीज़ या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो अलकेन को हम पेराफीन भी कहते हैं वजह क्या है कि ये लिटल एफिनिटी शो करते हैं किसी भी रिएजेंट को रिएक्शन के लिए क्वाइट इनर्ट होते हैं स्टेबल होते हैं तो इसी की स्टेबिलिटी की बुनियाद पर हम एन को पेराफीन भी कहते हैं स्टूडेंट्स साइक्लो अलके रिजेंबल अलकेन इन केमिकल बिहेवियर अगर हम साइक्लो अल्केन को देख ले तो साइक्लो अल्केन में मसलन मैं साइक्लोपेंटेन बना रहा हूं यह हमारे पास क्या है साइक्लोपेंटेन साइक्लोपेंटेन में अगर हम देख ले हर कार्बन एटम क्या है sp3 हाइब्रिडाइज है और इसने चार सिग्मा कोल बाढ़ बनाए हैं हर बाण जो है वो हेडन ओवरलेपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है तो अगर इनकी केमिकल बिहेवियर को देखा जाए तो साइक्लो अल्केन रिजेंबल अल्केन इन केमिकल बिहेवियर एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन स्टूडेंट साइक्लोप्रोपेन क्यों रिजेंबल नहीं करते साइक्लो अल्केन को किमिकल बिहेवियर में इसी तरह साइक्लोब्यूटेन क्योंकि उनमें एंगल स्ट्रेन पाया जाता है अगर हम देख ले साइक्लोप्रोपेन को तो साइक्लोप्रोपेन में जहां एस हाइब्रिड ऑर्बिटॉल में बाढ़ एंगल 109.5 होना चाहिए प्रोपेन में यह एंगल 60 होता है कितना होता है ये एंगल 60 डिग्री है हालांकि यह 109.5 पॉइंट होना चाहिए तो प्रोपेन में या इसी तरह ब्यूटेन में क्या पाया जाता है एंगल स्ट्रेन पाया जाता है और इसी एंगल स्ट्रेन की वजह से साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन अंडरगोज रिंग ओपनिंग इसकी रिंग ओपनिंग होती है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर हम इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं तो प्रोपेन जो है साइक्लोप्रोपेन जो है वो उसकी रिंग ओपनिंग हो जाती है और नॉर्मल प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाता है तो स्टूडेंट्स हमने रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन डिस्कस की कि अल्केन क्या है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें मौजूद कार्बन कार्बन बाड हो या कार्बन हाइड्रोजन बांड हो पोलर होते हैं वजह क्या है इसकी नॉन पोलरिटी का क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल होती है इनर्ट होते हैं और नॉर्मल कंडीशन में पोलर रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करते स्ट्रांग सिग्मा बांड रखने की वजह से एसिड्स, अल्कली और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करते इसको पेराफीन कहा जाता है और अल्केन भी अल्केन की तरह केमिकल बिहेवियर शो करते हैं एक्सेप्ट प्रोपेन एंड साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन जिनमें एंगल स्ट्रेन पाया जाता है और इसी एंगल स्ट्रेन की वजह से उनको स्टूडेंट्स हम यानी रिएक्टिव देन अल्केन कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के एक्सरसाइज में इस पर एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर मौजूद है कि प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो अदर साइक्लो अल्केन की तरह रिजेंबल नहीं करते वजह किया है तो एन में एंगल स्ट्रेन पाया जाता है और इसी एंगल स्ट्रेन की वजह से ये जो है रिएक्टिव देन अदर साइक्लो अल्केन है स्टूडेंट्स हम अल्केन की रिएक्शंस स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स अल्केन के रिएक्शन में हम रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और कंबस्टन रिएक्शन डिस्कस करेंगे तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले हम सब्सटीच्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट्स रिएक्शन इन विच एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं वो रिएक्शन जिनमें एक ग्रुप दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करे तो इस किस्म के रिएक्शन को हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं फॉर एग्जांपल हम मीथेन लेते हैं सी एच फोर और इसके साथ हम क्लोरीन रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे पास सी एच थ्री सी एल क्लोरोमिथेन और एच सी एल में कन्वर्ट होता है तो यहां पर अगर हम देख लें मीथेन के एक हाइड्रोजन को क्लोरीन ने सब्सटीच्यूट किया रिप्लेस किया और इस किस्म के रिएक्शन को हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं रिएक्शन इन विच एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड जिसमें कोई एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो ओ रिप्लेस हो जाए बाई एनदर एटम आर ग्रुप ऑफ एटम इज कार्ड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बी इनिशिएटेड थ्रो न्यूक्लिफायल इलेक्ट्रोफायल आर फ्री रेडिकल न्यूक्लिफायल क्या होते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज न्यूक्लियोफॉइल वो स्पीशीज होते हैं वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज मौजूद हो या जिनके पास लून प्यार ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो जिनकी एबिलिटी हो टू तो डोनेट ए प्यार ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इस किस्म के स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफॉइल कहते हैं मसलन हमारे पास क्या है सी एल नेगेटिव आइन है बी आर नेगेटिव आइन ओ एच नेगेटिव आइन या आर एन एच टू इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पैर इलेक्ट्रॉन एच टू ओ जहां ऑक्सीजन के पास लोन पैर इलेक्ट्रॉन या एनएच थ्री यानी वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके उनको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं या न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इलेक्ट्रॉन लविंग जाहिर बात है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इसलिए इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होंगे मसलन H पॉजिटिव I पॉजिटिव या NO2 पॉजिटिव R3C पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट सेंटर जिनमें मौजूद हो यानी वो स्पीशीज जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो क्या होंगे इलेक्ट्रॉन हो लविंग या ऐसी स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर मौजूद हो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एटम मौजूद हो तो इस किस्म के स्पीशीज को मसल एल सी एल थ्री एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड या बोरान ट्राइफ्लोराइड तो ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है तो इसके सम के मॉलिक्यूल्स को या ऐसे आयस को जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी हो उनको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को या तो न्यूक्लियोफाइल इनिशिएट कर लेते हैं या इलेक्ट्रोफाइल इनिशिएट कर लेते हैं या ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू तो इनिशिएट होते हैं फ्री रेडिकल में क्या होता है एन एटम आर मालिक्यूल हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन मसलन क्लोरीन फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल जिनमें क्या हो अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो एक एटम के पास या ग्रुप ऑफ एटमों के पास क्या हो हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो ऐसी स्पीशीज को हम फ्री रेडिकल कहते हैं स्टूडेंट्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हम होमोलिटिक फिजन और हीड्रोलिटिक फिजन का भी जिक्र करते हैं अगर हमारे पास कोई बांड किसी बांड की ब्रेकिंग इस तरह हो जाए क्लोरीन मालिक्यूल है इसकी बांड ब्रेकिंग इस तरह हो जाए बाडेड इलेक्ट्रॉन एक एक होकर रिस्पेक्टिव एटम्स पे चला जाए तो हाँ इस किस्म के फ्यूजन को हम होमोलिटिक फ्यूजन कहते हैं जिसकी वजह से हमारे पास क्या फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे और हिट्रोलिटिक फ्यूजन में बाडेड इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पर चले जाते हैं मसलन हमारे पास क्या है फॉर एग्जांपल क्लोरीन वाली है और इसको ए एल सी एल थ्री कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्लोरीन की बांड इस तरह टूट जाता है हमारे पास सी एल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और एल सी एल फोर नेगेटिव प्रोड्यूस होता है तो इस किस्म की बांड ब्रेकिंग को हम हिंड्रोलिटिक फ्यूजन कहते हैं हम अल्केन के फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं मैकेनिज्म है क्या स्टूडेंट्स स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन शोइंग ओल्ड बांड ब्रेकिंग एंड न्यू बांड फॉर्मेशन मैकेनिज्म किसी केमिकल रिएक्शन का स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन होता है जो शो करता है किस चीज को ओल्ड बाड ब्रेकिंग और न्यू फॉर्मेशन को शो करे तो इस स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन को हम मैकेनिज्म कहते हैं हम क्लोरिनेशन देखते हैं यानी रिएक्शन स्टडी कर रहे थे हम अल्केन की तो अल्केन की हम क्लोरिनेशन देखते हैं और उसमें पर्टिकुलर एग्जाम्पल क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स मीथेन के साथ जब हम अल्ट्रा लाइट की मौजूदगी में क्लोरीन को रिएक्ट करें तो हमारे पास क्लोरोमीथेन और एच सी एल मालिक्यूल प्रोड्यूस होता है हम इसकी स्टेप वाइज हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप में क्या होता है फर्स्ट स्टेप को हम इनिशिएशन स्टेप कहते हैं इस स्टेप में क्लोरीन मालिक्यूल को एक्सपोज करते हैं अल्ट्रा लाइट को तो क्लोरीन बांड की वाइब्रेशन बढ़ जाती है और ऐसे रिजल्ट इस बांड की होमोलिटिक फ्यूजन हो जाती है और क्लोरीन मालिक्यूल दो क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है सेकंड स्टेप में क्या होगा यानी फर्स्ट स्टेप में इनिशिएशन क्लोरीन मालिक्यूल की ब्रेकडाउन हो गई सेकंड स्टेप प्रोपिगेशन स्टेप स्टूडेंट्स सेकंड स्टेप हमारे पास प्रोपिगेशन स्टेप है इसमें क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करके मिथाइल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर लेता है और एच सी एल मालिक्यूल निकल जाता है यह मिथाइल फ्री रेडिकल मजीद क्लोरीन मालिक्यूल की क्लीवेज करके मिथाइल क्लोराइड और क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते रहते हैं थर्ड स्टेप जो है वो टर्मिनेशन स्टेप होता है टर्मिनेशन स्टेप में स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी है कि जितने भी रिएक्शन मिक्सचर में क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो दोबारा से मिलकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाए एक पॉसिबिलिटी दूसरी पॉसिबिलिटी कि इस रिएक्शन मैक्सचर में जितने मिथाइल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करे आपस में मिलकर ईतेन बनाए मिथाइल फ्री रेडिकल और दूसरा मिथाइल फ्री रेडिकल अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके चेंज हो जाए किस चीज में सी एच थ्री सी एच थ्री में कन्वर्ट हो जाए थर्ड पॉजिबिलिटी क्या है मिथाइल फ्री रेडिकल है और वो क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिलकर क्लोरोमीथेन बनाए स्टूडेंट्स अगर हमारे पास क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में मौजूद है तो क्या होता है मीथेन के साथ स्टेप वाइज रिएक्शन करता जाएगा करता जाएगा यहां तक के मीथेन के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सी सी एल फोर में कन्वर्ट हो जाए फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन फ्री रेडिकल सी एच थ्री सीएल प्लस एच सी एल दूसरे स्टेप में सी एच थ्री सी एल प्लस कुल फ्री रेडिकल सी एच टो सी एल टो प्लस एच सी एल थर्ड स्टेप में क्या होगा सी एच टो सी एल टो प्लस टो तो क्लोरीन फ्री रेडिकल गिव आस सी एच सी एल थ्री प्लस एच सी एल और लास्ट स्टेप में क्या होगा अगर एक्सेस अमाउंट में हमने क्लोरीन cool लिया है तो इट ट्वेल गिव आस सी सी एल फोर और इसी तरह फोर मालिक्यूल हमारे पास एच सी एल के प्रोड्यूस होंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है कंबस्टन रिएक्शन है कंबस्टर रिएक्शन में जब हम किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ फ्लेम की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एंड गिओस हीट हम मीथेन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब इग्नेट करते हैं इट कन्वर्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल एंड गिओस 890.95 किलो जूल पर मोल हीट इसी तरह जब हम ईथेन को सेवन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ इग्नेट करते हैं इट गिव अस फोर मोल सीओटो सिक्स एच टो ओ एंड वन डबल फाइव नाइन किलोजोल पर मोल क्या देता है हीट स्टूडेंट्स अगर मीथेन के साथ ऑक्सीजन को लिमिटेड अमाउंट में इग्नेट किया जाए तो यह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय हमें देगा कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर एंड हीट और अगर वेरी वेरी लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद हो और उसमें हम मीथेन को इग्नेट करें तो इट गिव अस कार्बन सूट वाटर एंड हीट स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की रिएक्टिविटी ऑफ अलकेन एंडसाइक्लोअल रिएक्शन ऑफ अल्केन जिसमें हमने फ्री रिडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हमने उसमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल फ्री रेडिकल होमोलिटिक्लीवेज हीट्रोलिक्लीवेज का जिक्र किया और फिर हमने हेलोजनेशन ऑफ अलकेन और कंबस्टन ऑफ अल्केन स्टडी किए आज के लिए इतना ही काफी है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अल्लाह हाफिज